जैसे हर रास्ते पर कोई ना कोई परेशानी होती है दोस्तों, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकृति आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम मिथुन राशि जेमिनी साइन वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। मिथुन राशि के आने वाले 5 साल वर्ष 2025 से लगाकर वर्ष 2030, ये 5 साल क्या फलाफल आपके जीवन में आएंगे, क्या जीवन में हो सकता है आपके शनि राहु केतु बृहस्पति, ये बड़े बड़े ग्रह काफ़ी लंबे समय तक परिवर्तन, काफ़ी लंबे समय के बाद परिवर्तन करते हैं, क्या फल देंगे आपको इन 5 सालों में, क्या होगा आपके जीवन में, ये बहुत डिटेल में जानेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों आपको कि आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ बहुत एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत प्रैक्टिकल रिसर्च करने के बाद, कि इन 5 सालों में प्लैनेट्स राहु शनि कहाँ ट्रांजिट करेंगे, गुरु का क्या परिवर्तन होगा, आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएंगे, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं, करते हैं शुरुआत। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर आप अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि के आने वाले 5 साल कैसे रहेंगे आपके जीवन में, सब कुछ बहुत डिटेल में। दोस्तों, आपकी राशि से 2025 में आपकी राशि से गुरु आपके 12वें घर में है, आपके 10th हाउस में है, राहु नवम स्थान में है, शनि आपके 4th हाउस में है, केतु विराजमान। अब सबसे पहले हम यहाँ पे गुरु की चर्चा कर लेते हैं, देव गुरु बृहस्पति की। तो गुरु आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर लेंगे मई 2025 में, और मई 2025 से लगाकर मई 2026 तक गुरु आपके 1st हाउस में ही रहेंगे। और जब गुरु 1st हाउस में रहेंगे तो गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम स्थान में पड़ेगी। ये मई 2025 से लगाकर मई 2026 का टाइम फैक्टर ऐसा रहेगा जो आपके फैमिली प्लानिंग को लेकर काफ़ी अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु जो कि संतान के कारक हैं, और गुरु 1st हाउस में आके आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव होता है संतान का, आप नोट डाउन करिए इसको, कि मई 2025 से मई 2026 आपके संतान पक्ष को लेकर अच्छा रहेगा। ठीक है, इवन आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, धनु राशि को, तो ये विवाह को लेकर भी अच्छा रहेगा। मिथुन राशि का विवाह हो सकता है मई 2025 से मई 2026 के बीच में, बहुत अच्छा टाइम फैक्टर है। अब गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस पे भी पड़ेगी, कोई शुभ कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं, कोई मांगलिक कार्य, कोई हवन यज्ञ करते हुए देखे जा सकते हैं आप इस टाइम फैक्टर के बीच में, और कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल भी, यानी कि धार्मिक यात्राओं का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं इस बीच में। अब गुरु आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे मई 2026 से मई 2027 तक। गुरु का 2nd हाउस में बैठना आपकी वाणी को अच्छा बनाएगा, आपकी वे ऑफ टॉकिंग को बहुत कमाल का करेगा। यहाँ पे आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो जो काउंसलिंग में काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये जब गुरु आपके 2nd हाउस में आएंगे। और ये आपके फैमिली को भी स्ट्रांग बनाएंगे, एक बॉन्ड अच्छा रहेगा आपके फैमिली के साथ में, और आपके बैंक बैलेंस को भी बहुत अच्छा बनाएंगे जब गुरु आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। और फिर गुरु आएंगे आपके 3rd हाउस में, आपके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, और ये करेंगे 2027 में, 27 से लेकर 28 तक गुरु आपके 3rd हाउस में रहेंगे। अब ये गुरु का 3rd हाउस में बैठना, ये आपको स्मॉल ट्रैवल ज़्यादा देगा, आपके कामकाज में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लेकर आएगा, ऑनलाइन काम में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस पर भी थोड़ा कंट्रोल करके आपको चलना होगा उस टाइम पर। लेकिन यहाँ पर मैं शनि की अगर चर्चा करूँ कि इन 5 सालों में शनि की क्या क्या स्थिति है, शनि क्या फल देने में सक्षम होंगे आपको। अब शनि आपके यहां पर आपको दिख रहे हैं 9th हाउस में, लेकिन ये आपके 10th हाउस में आएंगे मार्च 2025 में, और पूरे 2.5 साल तक शनि फिर यहां रहेंगे। ठीक है, ये रहेंगे आपके फरवरी 2028 तक यहां पे। ठीक है, मार्च 2025 से लगाकर फरवरी 2028, वैसे तो शनि 2.5 साल तक रहते हैं राशि में, लेकिन यहां पर अप्रोक्स थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहेंगे आपके 10th हाउस में। अब जब शनि आपके 10th हाउस में रहेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, शनि जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हमको एडजस्ट करना पड़ता है। शनि जिस हाउस में होता है, अपनी कुंडली में भी देखना आप कि शनि आपकी जिस हाउस में बैठे होंगे ना, उस हाउस, वो हाउस जिस चीज़ का होगा, वहाँ पर आपको एडजस्ट करना होगा अपने आप को, और अपने कर्मों को वहाँ पर लगाना होगा, मेहनत करनी होगी वहाँ पर आपको। तो शनि का 10th हाउस में बैठना, ये अप्रोक्स 3 साल तक कर्म स्थान में आपको अपने कर्म में हाथ पैर को ज़्यादा चलाना होगा, और कुछ चीजों को आपको एडजस्ट करके चलना होगा।
कुछ चीज़ों को, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि सारी चीज़ों को आपको एडजस्ट करना होगा, लेकिन कुछ चीज़ों को अपने करियर में, जैसे कि कोई अगर आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, आपके पास ज़्यादा काम आ रहा है, कुछ लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उम्मीदें लगा कर बैठे हैं कि आप ही इस काम को करेंगे, तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, ज़्यादा आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होना, और आपको अपने कर्म को तो करना पड़ेगा क्योंकि शनि 30 साल बाद, राइट, बिल्कुल सही, 30 साल बाद शनि आपके 10th हाउस में आएंगे, मैंने बता दिया आपको डेट, राइट, मार्च 2025 से फरवरी 2028, तो काम तो करना पड़ेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो मिथुन राशि वाला व्यक्ति खाली है ना, अगर खाली हैं आप, लिख के रख लीजिए आप कि इस बीच में आपको काम करना पड़ेगा, और आप काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आप मेहनती हो जाएंगे या फिर आप भाग दौड़ करेंगे, ये थोड़ा टाइम आपके लिए स्ट्रगल वाला रहेगा, लेकिन उसमें प्लस उस स्ट्रगल के साथ में आपको पॉजिटिव फैक्टर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि शनि आपके भाग्य से, भाग्य का कनेक्शन कर्म स्थान से, तो कर्म करेंगे और भाग्य भी साथ देगा, राइट। अब शनि आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे फरवरी 2028 में, और फिर 11th हाउस में ही रहेंगे, 2030 तक बात कर रहा हूँ, तो आपके 11th हाउस में शनि नीच के हो जाएंगे। अब ये शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की सोचेंगे आप, भाग्य का कनेक्शन 11th हाउस में, अष्टमेश का दोष भी 11th हाउस में, यानी कि आप सोचेंगे कि किस तरीके से पैसे बहुत ज़्यादा अर्निंग की जाए, चाहे वो ऑयल का काम हो, चाहे फिर वो लोहे का काम हो, चाहे वो मशीनरी का काम हो, इलेक्ट्रिक का काम हो, ये सब चीज़ों में ज़्यादातर, जमीन से जुड़कर काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, तो इनमें आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा आ सकता है। और शनि का 11th हाउस में बैठना, वो भी नीच का हो जाना, ये आपको ओवर थिंकिंग देगा, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को देख तो रहे हैं, चंद्रमा हमारा मन है, सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है मून, तो आपके मन में थोड़ा ओवर थिंकिंग तो लेकर आएगा, ये शनि की साढ़े साथ ही ढैया नहीं होगी, तो चिंता मत करिए आप। इसके साथ में शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव में भी पड़ेगी, ये ऑकल्ट नॉलेज को बढ़ाएगा, ये डीप नॉलेज को दर्शा रहा है यहाँ पे, आपकी डीप नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लव रिलेशन पर भी आपको थोड़ा सावधान रहना है फरवरी 2028 के बाद, क्योंकि शनि एस्पेक्ट टू पंचम भाव, शनि यहाँ पे पंचम भाव को देखेंगे, तो प्रेम प्यार में थोड़ा जिद, थोड़ा आर्ग्यूमेंट, थोड़ी चिंता आपको दे सकते हैं, लेकिन आपकी फाइनेंशियल चीज़ों को बढ़ाएंगे, शनि आपके 11th हाउस में आएंगे, तो शॉर्टकट तरीके से पैसा आपके पास में आएगा। और दोस्तों यहाँ पर राहु केतु की अगर मैं बात कर लूँ, तो राहु आपके 10th में है, लेकिन 9th हाउस में आ जाएंगे मई 2025 तक राहु आपके 10th हाउस में है, आपको करियर में परिवर्तन दे सकते हैं मई 2025 से पहले, राहु 10th हाउस में चलाक चतुर बनाते हैं, लेकिन आपके 9th हाउस में जब राहु आएंगे, तो वैसे तो 9th हाउस में राहु का आना पितृदोष बनाता है कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु अगर 9th हाउस में हो तो। अब ये राहु आपके 9th हाउस में भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे शनि के घर में, तो ये 1.5 साल तक फिर यहाँ रहेंगे, कब से कब तक, मई 2025 से लगाकर आपके दिसंबर 2026 तक राहु आपके 9th हाउस में रहेंगे। अब ये राहु का 9th हाउस में आना पिता के साथ में आर्ग्यूमेंट को भी दर्शाता है, और पिता के साथ में विच्छेद थोड़ा बहुत करवा सकता है, ठीक है। अब ये किसी ना किसी तरीके से करवाए, कोई रीज़न हो, किसी भी तरीके का रीज़न हो, आप आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। और भाग्य में राहु का आना, ऐसा तो नहीं कहूँगा कि भाग्य को ख़राब करेंगे, क्योंकि शनि जो है वो केंद्र में रहेंगे, शनि जो है वो स्थिति सही रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा अड़चनों के साथ में, आप जल्दबाजी ना करें किसी चीज़ में, आप एकदम फास्ट डिसीजन ना लें, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लें, नहीं तो राहु उस चीज़ में थोड़ा करते हैं, थोड़ा परेशान करते हैं। लेकिन फिर राहु आपके अष्टम भाव में आएंगे दिसंबर 2026 में, और दिसंबर 2026 से लगाकर जून 2028 तक आपके राहु यहीं रहेंगे 8th हाउस में। ये आपको ऑकल्ट नॉलेज देगा, ये आपको बहुत डीप नॉलेज देगा, ये आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, ये आपको बड़ा चतुर चलाक बनाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बनाएगा, लेकिन चोट लगने की संभावना भी हो सकती है, इसका ध्यान दीजिएगा। पॉलिटिक्स हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, या छोटा मोटा कट लगना या आपको चोट लग जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान तो देना होगा। और ससुराल पक्ष में इन लॉज की तरफ में आपको आर्ग्यूमेंट से बच के रहना होगा, जब राहु आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन राहु का 8th हाउस में आपको बहुत अच्छी नॉलेज देगा यहाँ पे, ठीक है। अब राहु आपके 7th हाउस में आएंगे जून 2028 में, 1.5 साल तक रहेंगे, ये ठीक है, ये आपको चतुर चलाक बनाएगा, आपको आपकी डेली इनकम को बढ़ाएगा, आपकी इनकम को अच्छा करेगा, ठीक है, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन में उस टाइम पे ध्यान देना जब राहु 7th हाउस में आएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए सब, ये मैंने आपको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, एग्जैक्ट जानकारी दी है गोचर के हिसाब से,
अब क्या उपाय करने चाहिए आपको दोस्तों? सबसे पहले तो आप बुध ग्रह का बीज मंत्र करें, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार रोजाना फॉलो करना है आपको। शुक्र का बीज मंत्र करें, ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, उगते हुए सूर्य को जल दीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।